तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे और लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी ने साफ किया है कि लॉकडाउन 4 लागू होगा लेकिन तमाम रियायतों के साथ, और सारी जानकारी 18 मई से पहले जनता तक साझा कर दी जाएगी। तो पीएम मोदी का यहां पर आप संबोधन सुन रहे थे। बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2020 में कोरोना के चलते 20,00,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, इसकी घोषणा की गई है। संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही पीएम मोदी ने, और साथ ही साथ जनता को बताया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की उन्होंने बात कही है। लॉकडाउन 4 के बारे में उन्होंने बताया कि नए नियमों वाला होगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे, 5 पिलर्स बताए हैं उन्होंने। अगर पीएम मोदी की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने को उन्होंने कहा है और आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर का जिक्र किया है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। सबसे पहले उन्होंने यहां पर जो जिक्र किया है वो लोकलाइज का किया है। जितनी भी लोकल चीजें हैं उन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम लोकलाइज को बढ़ावा दें, अब हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा। ये मंत्र दिया है पीएम मोदी ने, यानी कि जो हमारी लोकल चीजें हैं उनकी ब्रांडिंग करनी होगी हमें। साफ तौर पर इशारा कर दिया है मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का। 18 मई से नया लॉकडाउन लागू होगा जिसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो 5 महत्वपूर्ण बातें जो पीएम मोदी ने कही है उनके बारे में आपको बताते हैं। आज 5वीं बार देश को संबोधित किया है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातें रखी हैं। बात की जाए तो जनता कर्फ्यू के बारे में बताया, उनके बारे में जिक्र किया। यहां पर 5वीं बार संबोधित किया। सबसे पहले 19 मार्च को किया था जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 24 मार्च को देश को तब संबोधित किया जब लॉकडाउन पार्ट 1 का ऐलान किया। उसके बाद में 3 अप्रैल को देश को संबोधित किया, लोगों को यहां पर जागरूक किया, दीप जलाने की बात कही कि लोगों के लिए दीप जलाएं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए दीप जलाएं। उसके बाद 14 अप्रैल लॉकडाउन 2 के एक्सटेंशन, यानी कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का जिक्र किया, तब देश को संबोधित किया। और आज यानी कि 12 मई को देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन पार्ट 4 का ऐलान किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि 2020 में कोरोना के चलते 20,00,000 करोड़ का पैकेज, जो आर्थिक पैकेज है वो जनता को दिया जाएगा। तमाम चीजों का जिक्र किया इन्होंने यहां पर। कुटीर, गृह, लघु, मध्यम उद्योग, एमएसएमई के लिए ये पैकेज रहेगा। विशेष करके जो श्रमिक हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आर्थिक पैकेज रहेगा। मध्यम वर्ग के लोग जो कि लगातार टैक्स दे रहे हैं ईमानदारी से, उनके लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहां पर लोकल्स को फोकस में रखते हुए कही है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब हमें लोकल्स के लिए वोकल बनना होगा। ये बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। लॉकडाउन जो पार्ट 4 होगा वो नए नियमों वाला होगा, यानी कि तमाम रियायतें होंगी। 18 मई से लॉकडाउन पार्ट 4 लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को अपनाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। 5 पिलर्स का जिक्र किया है। सबसे पहले इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हमारा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। डिमांड और सप्लाई चेन को पूरी ताकत से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत यहां पर पीएम मोदी ने जाहिर की है। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी हमसे जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, बड़ा ऐलान किया है लॉकडाउन 4 का और साथ ही साथ 20,00,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का पीएम मोदी ने। बात है, आज देशवासियों को इस बात का इंतजार था कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया है कि 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा और 18 मई से पहले उसके नए दिशा निर्देश सामने आ जाएंगे सबके सामने, और किस रूप में लॉकडाउन 4 लागू किया जाएगा उसकी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने, आपने देखा होगा, 20,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो अब तक चाहे RBI हो या वित्त मंत्रालय हो या अन्य मंत्रालयों के जरिए जो अब तक राहत दी गई थी, उन सबको मिलाकर 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। और खास बात यह है कि ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो लोकल की बात की है, वो आपको समझना होगा कि वो कहीं ना कहीं स्वदेशी की बात करते नजर आए, कि स्वदेशी का मतलब है जो हमारे आसपास बन रहा है, हमारे घर के आसपास बन रहा है,
हमारे शहर में बन रहा है, हमारे देश में बन रहा है, हमारे दूसरे राज्यों में बन रहा है, हमारे अपने राज्य में बन रहा है, उनका था कि अभी इस संकट की घड़ी में जो हमारे आसपास बनने वाली चीजें हैं या जो हमारे आसपास बनाने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन्हीं की वजह से हम इस संकट काल में आगे बढ़ पा रहे हैं और उसी उन्हीं की वजह से हमें जो परेशानियां नहीं होने पाई हैं। तो अब उनका साफ तौर पर यह है कि हम अपने आसपास, अपने घर परिवार मोहल्ला समाज में बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल ही नहीं करें, उसका प्रचार भी करें, बिल्कुल, ताकि भारत जो है आत्मनिर्भर बन सके। और ये उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बीमारी से पीड़ित है, और उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए भी एक अवसर की तरह है, हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता रहा है और उसकी परिकल्पना करता रहा है, ऐसे में भारत अभी भी जो है दुनिया के अन्य देशों को जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, पीपी किट बन रहे हैं या मास्क बन रहे हैं, उन चीजों की सप्लाई दुनिया के अन्य देशों में भी कर रहा है और हम अपने लिए भी उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो उनका कहने का अर्थ है कि जो भी अवसर हमारे पास आया है, भारत के पास आया, भारत के लोगों को पास आया है आत्मनिर्भर बनने का, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, दुनिया के मार्केट में जो एक कंपटीशन है उसको चुनौती देने के लिए और प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए ये अवसर मिला है, और इसमें जो है भारत के लोग मजबूती के साथ उभरेंगे। और खास तौर पर जो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की है, उसका मकसद उन्होंने जो बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ये एक बड़ी बात है। सुजीत जी, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की उन्होंने बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी विशेष आर्थिक पैकेज होगा, यानी कि मेक इन इंडिया पर पूरा जोर रहेगा। लोकल्स के लिए जिस तरीके से बात की उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरीके से बात की, तो कह सकते हैं कि पूरा जोर इस वक्त मेक इन इंडिया पर रहेगा। अब ये मेक इन इंडिया कहें या फिर मेड इन इंडिया कहें, क्योंकि अब उन्होंने आज का जो उनका संबोधन था वो पूरी तरह से भारतवासियों पर फोकस था, जो भारत के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो स्वदेशी की कह सकते हो, जो लोकल की बात उन्होंने कही थी वो एक तरह से स्वदेशी की बात थी, इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया की भारत में ही बनने की बात है। और मेक इन इंडिया की जो परिकल्पना थी उसमें ये भी था कि दुनिया के अन्य देशों से लोग आएंगे भारत में और यहाँ पर वो उत्पादन करेंगे, लेकिन आज जो ये 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ है, अब भारत आत्मनिर्भर अभियान का, आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात हुई है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद स्वदेशी को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है, अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, और उद्योग हो या भी जिस भी तरीके की गतिविधियां हैं उन सब मामलों में भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है उसकी बात प्रधानमंत्री ने की है। सुजीत जी, यहाँ पर जो विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा रहा है इसमें पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन सभी पर बल देने की बात कही है, यानी कि ये जो पैकेज होगा इसकी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, खासकर गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है जो किसानों तक उन्होंने राशि पहुंचाई है, जैम की बात उन्होंने की है, जनधन, आधार और मोबाइल की जो उन्होंने बात की है उसके जरिए उन्होंने ये बात बताई है कि इसके जरिए हम किस तरीके से जब सब कुछ बंद था तो हम इसके माध्यम से अपने किसानों, मजदूरों या अन्य वर्ग को राहत पहुंचा पाए हैं, और उनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से सभी वर्गों का और भी ख्याल रखा जाए, इसकी बात उन्होंने कही है। लेकिन अब जब वित्त मंत्रालय पूरा ऐलान करेगा, विस्तार से इसका पूरा ब्यौरा देगा, तब पता चल पाएगा कि किस वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए में कितना महत्व दिया गया है।
सुजीत जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर तमाम चीजें पीएम मोदी ने ऐसी भी कही कि जैसे पीपी किट्स और N95 मास्क का जिक्र किया। बड़ी बात है कि कोरोना संकट से पहले जहां पर एक भी पीपी किट देश में नहीं बनती थी, आज 2 लाख तक पीपी किट्स बन रही है, N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में देश ने दुनिया को दिखा दिया कि जब बात आत्मनिर्भर बनने की आती है तो भारत इस रेस में सबसे आगे है। बिल्कुल, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इसी तरीके से जब देश में कभी प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पीपी किट नहीं बनता था देश में जब कोरोना आया, और लेकिन देश के लोगों ने, देश के जो हर वर्ग के लोग, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे फिर कामगार हों, या चाहे बिजनेसमैन हों, सब ने मिलकर इस संकट की घड़ी में जो भी कोरोना से लड़ने के लिए हथियार की जरूरत थी, चाहे वो पीपी किट की बात हो, चाहे N95 मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, या अन्य तरीके की दवाइयों की बात हो, उन सब से लड़ने में सक्षम बनने के लिए भारत के लोग आगे आए हैं, और जो चीजें यहाँ बन रही थी उनका उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है, जो चीजें नहीं बन रही थी उनका उत्पादन शुरू किया गया है। आपने देखा होगा कि घर घर में लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया जी। आपने देखा होगा छोटे छोटे उद्योग धंधों में सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू हो गया, पीपीई किट बनाने का काम बहुत तेजी, अलग अलग विभागों के लोग जिन्होंने कभी पीपीई किट बनाने का काम नहीं किया, रेल मंत्रालय की अगर बात करें तो उनके जो कर्मचारी हैं पीपीई किट बना रहे थे, मास्क बना रहे थे, यहाँ तक कि रेल के कोचों का आपने देखा होगा किस तरीके से जो है आइसोलेशन वार्ड में उनको तब्दील किया गया। तो देश के हर अलग अलग जो सेक्टर हैं सबने इस कोरोना काल में कोरोना से संकट से उबरने के लिए अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और शायद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि अभी कोरोना को लंबे समय तक इसके साथ ही निर्वहन करना है और इससे सुरक्षा और बचाव के साथ ही आगे बढ़ना है, तो उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया कि ये कोरोना का जो संकट है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए हमें इससे बचाव और सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और भारत को आत्मनिर्भर जब बनने की बात आई है वो इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे समय में हम आत्मनिर्भर जब बनने की ओर अग्रसर होंगे तो हमें कोरोना से भी निपटने में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सेक्टर्स जिस तरीके से सामने आए इस कोरोना काल में, और पूरा देश मजबूती से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, 130 करोड़ की आबादी होने के बाद भी केसेस इतने कम है और लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है, दर्शाता है चौतरफा तारीफ भी हो रही है भारत की इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।